हेलो भाई लोग, जैसा कि आज का वीडियो हमारा भाई बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आज स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाता है आहूजा का ये चार मॉडल भाई, जो कि आहूजा में सबसे ज़्यादा कोई स्पीकर यूज हो रहा है, तो ये चारों स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे भाई 2024 में इसका प्राइस रेंज क्या होने वाला है, और साथ ही साथ में भाई इसमें कितने इंची का वॉइस कॉइल लगा है कौन से स्पीकर में, वह भी हम आपको बताएंगे, और भाई कौन से स्पीकर भाई कितने ओम का हो जाता है वो सब हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और भाई जैसा कि आप गए होंगे भाई कहीं लाइव प्रोग्राम में गए होंगे या तो भाई वहां पे देखे होंगे, ये स्पीकर भाई ज़रूर देखने को मिल जाता होगा भाई। इसमें से कोई ना कोई स्पीकर देखने को मिल जाता है, जैसे कि चारों ओर से ज़्यादातर हमको भाई 308 देखने को मिल जाता है लाइव प्रोग्राम में। और भाई डीजे वाले प्रोग्राम में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे भाई सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ये भाई चारों मन से स्पीकर आहूजा का भाई ये यूज होते हैं डीजे पे। भाई डीजे वाले काफ़ी ज़्यादा ये स्पीकर पसंद करते हैं। और भाई जैसा कि आज आपको मालूम होगा 1 जनवरी है भाई, जैसे कि 1 जनवरी को हम ये भाई इसके प्राइस रेंज के बारे में बताने वाले हैं। भाई आपको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और आपके पूरे परिवार को भाई आप लोग जहाँ पे रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें। और भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डीजे से रिलेटेड ऐसे हम वीडियो डालते रहते हैं, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको आहूजा का चारों स्पीकर देखने को मिल जाता है, जैसा कि सबसे ज़्यादा यही स्पीकर यूज हो रहा है इस समय। पहला हमारा 300 वाट का, दूसरा 400 वाट का, तीसरा 500 वाट का, और चौथा 650 वाट का। ये स्पीकर हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं। चलिए अब बताते हैं एक एक स्पीकर के बारे में भाई पूरा डिटेल हम। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला स्पीकर मॉडल नंबर L15MB300 देखने को मिलेगा, जैसा कि इसका ये मॉडल नंबर हो जाता है। बात करते हैं इसके वाटेज की, जैसा कि 300 वाट का आर्मिक्स पावर ये हमारा स्पीकर हो जाता है। और बात करते हैं इसके इम्पीडेंस की, जैसा कि ये हमारा स्पीकर 8 ओम का हो जाता है। जैसा कि ऐसे दो स्पीकर लगाएंगे तो हमारा जैसा कि एक कैबिनेट में 4 ओम होगा दोनों स्पीकर पैरेलल कनेक्शन से, और भाई यहाँ हमारा 8 ओम का ये स्पीकर हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके कॉइल की, जैसा कि यहाँ पे हमको 3 इंची का वॉइस कॉइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसा कि इसको हम सादे एम्पलीफायर से बजा सकते हैं और मॉसफेट एम्पलीफायर से भी बजा सकते हैं, ये स्पीकर हमारा काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसा कि ये आउटपुट हमारा भाई काफ़ी अच्छे से निकाल के दे देगा। तो भाई हम बात करते हैं जैसा कि इसके सेंसिटिविटी के बारे में, जैसा कि यहाँ पे हमको इसका सेंसिटिविटी भाई 99 dB यहाँ पे इसका सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजने वाला स्पीकर हो जाता है, जैसा कि आवाज़ भाई काफ़ी तेज़ निकल के आ जाएगा इस स्पीकर में भाई। और मैग्नेट वेट की बात करते हैं भाई, जैसा कि 2 kg 31 g, जैसा कि 2.5 किलो तक यहाँ पर हमको इसका मैग्नेट वेट देखने को मिल जाता है। और भाई बात करते हैं जैसे कि इसका पूरे नेट वेट की, 8 kg 15 g, जैसे कि 8 किलो का ये स्पीकर हो जाता है। और बात करते हैं भाई इसके प्राइस की, जैसा कि 5500 भाई अपने मार्केट में हमको देखने को मिल जाता है, आपको भाई 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं जैसा कि भाई अगले स्पीकर के बारे में, जैसा कि ये हमारा अगला स्पीकर आहूजा की तरफ से 400 वाट का है, इसका मॉडल नंबर L15MB400, ये 400 वाट का स्पीकर हो जाता है। और बात करते हैं भाई जैसा कि वाटेज का, 400 वाट का आर्मिक्स पावर में हमारा ये स्पीकर देखने को मिल जाता है, जैसा कि इसमें भाई हमको 8 ओम का इंपीडेंस देखने को मिल जाता है। जैसा कि पैरेलल कनेक्शन करके भाई दो स्पीकर का हम भाई इसको 4 ओम में कर सकते हैं। और बात करते हैं वॉइस कॉइल के बारे में, जैसा कि इसमें भाई हमको 3 इंची का इसका वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की, जैसा कि इसमें भी भाई हमको वही सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है, जैसा कि 99 dB सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है। दोनों भाई सेंसिटिविटी 99 dB के देखने को मिल जाता है। और इसका भी मैग्नेट वेट हमको 2 kg 31 g देखने को मिल जाता है, जैसा कि ये हमको सेम देखने को मिल जाता है दोनों स्पीकर में 300 और 400 वाट में। जैसा कि इसके नेट वेट की बात करते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 7 kg 8 g, जैसा कि हमारा नेट वेट हो जाता है 7 kg 800 g। और चलिए हम
अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसका हमको एम्प्रोक्स प्राइस 7000 देखने को मिल जाता है। आपको अपने मार्केट में 2200 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अगले स्पीकर की बात करते हैं। जैसा कि ये हमारा मॉडल नंबर LT MB 500 देखने को मिल जाता है। 500 वाट का आर्मिक्स पावर में हो जाता है। जैसा कि वाट इज़ भाई 500 वाट का आर्मिक्स पावर हो जाता है। और बात करते हैं जैसा कि सेंसिटिविटी का, ये स्पीकर भी हमारा भाई सेम ही हो जाता है 8 ओम का। जैसा कि दो स्पीकर लगाने पे हमारा 4 ओम हो जाएगा और 4 स्पीकर लगाएंगे 2 ओम पे ये काम करेगा। जैसा कि उन सभी स्पीकर के मुकाबले इसमें भाई हमको थोड़ा कॉइल भाई बड़ा देखने को मिलेगा। जैसा कि उसमें भाई 3 इंची का वॉइस कॉइल था, इसमें हमारा 4 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि इसमें लो फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाता है और भाई बेस उन दोनों स्पीकर के मुकाबले भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें बेस देखने को हमको मिल जाएगा। जैसा कि काफ़ी अच्छा इस स्पीकर से बेस निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। जैसा कि इसमें हमको 97 dB सेंसिटिविटी हमको इस स्पीकर में देखने को मिल जाता है। जैसा कि इसमें भाई सेंसिटिविटी थोड़ा कम देखने को मिलता है भाई, जैसा कि ये कम आवाज़ में बजने वाला है, बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा हमको। चलिए अब हम बात करते हैं जैसा कि इसके मैग्नेट वेट की। जैसा कि मैग्नेट वेट हमको इस स्पीकर में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, जैसा कि 2 kg 85 ग्राम इसका मैग्नेट वेट हमको देखने को मिल जाता है। उन दोनों स्पीकर से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और भाई जैसा कि इसके नेट वेट हमको 9 kg देखने को मिल जाता है। और चलिए हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इम्प्रोस प्राइस हमको 8400 देखने को इसमें मिल जाता है। 100-200 भाई आपको ऊपर नीचे हो जाएगा अपने मार्केट के हिसाब से, जैसा कि आप अपने मार्केट में पता कर लेना भाई, इससे भाई 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है उन दोनों स्पीकर के मुकाबले भाई। इसमें बेस हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब चलिए अगले मॉडल की स्पीकर की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे इसका मॉडल LT MB 650 हमको देखने को इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा। और भाई बात करते हैं इसके वाटेज की, 650 वाट का आर्मिक्स पावर हमको यहाँ पे इस स्पीकर में देखने को मिल जाता है। जैसा कि भाई आहूजा का जितना भी स्पीकर आता है सब आर्मिक्स पावर में आता है, IS पावर में हमको बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसा कि IS पावर में हमको अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इम्पीडेंस की। जैसा कि ये स्पीकर हमारा भाई 8 ओम में देखने को मिल जाता है। और भाई बात करते हैं जैसे इसमें 3 इंच का वॉइस कॉइल है, इसमें भी भाई हमको 4 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है। सेम वॉइस कॉइल इसमें देखने को मिल जाता है 500 वाट में और भाई 650 वाट में। अब बात कर लेते हैं इसके सेंसिटिविटी के बारे में। जैसा कि इसमें भाई हमको सेंसिटिविटी 97 dB बस देखने को मिल जाता है। जैसा कि इसमें भाई थोड़ा बेस हमको ज़्यादा देखने को मिल जाता है इस स्पीकर में। बात करते हैं इसके मैग्नेट वेट की। जैसा कि यहाँ पे इसका भाई मैग्नेट वेट हमको 2 kg 85 ग्राम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि 500 वाट और ये 650 वाट जो कि मैग्नेट वेट हमको इसमें भाई सेम देखने को मिल जाता है, सब चीज़ सेम देखने को मिल जाता है, वाट बढ़ जाता है। और बात करते हैं इस स्पीकर के पूरे नेट वेट की। जैसा कि हमारा 11 kg का ये स्पीकर देख जाएगा, जैसा कि भाई वाट बड़ा है बस उसके वजह से इसका भाई 11 किलो का हमारा ये स्पीकर हो जाता है। और बात करते हैं भाई जैसा कि इसके एम्प्रोक्स प्राइस की। जैसा कि यहाँ पे हमको इसका एम्प्रोक्स प्राइस दिख जाएगा 9500 इस समय का भाई प्राइस रेंज हम अपने मार्केट के बता रहे हैं। और भाई आप अपने मार्केट में भाई पता कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। इन चारों स्पीकर के बारे में हमने भाई अच्छे से आपको बता दिया। और भाई आप इसमें से कौन सा स्पीकर यूज करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाना पड़ता है।